केरला का स्टेट फिश है, स्टेट फिश है। मलयालम मलयालम में करिमीन बोले, करिमीन करिमीन करिमीन। ये आपने अभी कैच किया है? हे फोक्स, सो आज हमारे केरला ट्रिप का दूसरा दिन है और फोर्ट कोची एक्सप्लोर करने के बाद अब हम ये बस पकड़ के जा रहे हैं फोर्ट कोची से एलपी। यस आई नो एलपी इज क्वाइट फेमस, सो लेट्स सी व्हाट्स इन एलपी। आई थिंक वी केम टू एलपी फ्रॉम फोर्ट कोची अराउंड 2:30 एंड देन वी चेक्ड इन टू दिस होम स्टे विच इज इलारा बीच व्यू होम स्टे। सो वी वॉन्टेड वन ऑफ दोज हट्स बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट फंक्शनिंग कोविड की वजह से, तो उन्होंने सिर्फ दो रूम हमें वहाँ पे दिए बट दे चार्ज्ड अस फॉर हट ओनली, सो दैट वाज गुड। सो द हट विल कॉस्ट यू 650 फॉर टू पीपल, 400 फॉर वन पर्सन एंड द एसी रूम विल बी लाइक 1100-1200 फॉर ऑफ कोर्स फॉर वन डे फॉर टू पीपल्स। आई थिंक बिकॉज हट्स चालू नहीं है तो उन्होंने हमें रूम दिया है, सो दैट वॉज गुड। Huts are also good, it's just that you don't get private washrooms, I think. Washroom is important. And then you have these nice jhulas here. So, Alappi apne beautiful backwaters ke liye kafi zyada famous hai. So, first thing that we wanted to do here is to see backwaters. And let's go. Okay, so we have come here. And as you can see, there are so many houseboats lined up. So, we will just begin with our journey. There's a bridge. Under which there are lots of shikara lined up, shikara houseboats. So I think वो जो आपको दिखाई दे रही है वो houseboats है, इसमें आप रह सकते हो over the night. These are called jetty, which will cost you much less, but then again there is no shelter. So if you are planning to spend 2-3 hours, then I think that will not be enough. And then this is our shikara. So as you can see, there you have nice these small sofa cum bed and four chairs are there. So basically you rent the entire, so to rent this entire shikara it costed us 500 rupees per hour. So if no matter you are 6 people, 4 people or if it's just one person, I think the cost will be the same. These are the houseboats. It's like 3 BHK, 2 BHK, so you can rent. You can rent on that. This ride will surely remind you of a lot of songs. It's indeed very romantic. ये यहाँ पे वही पंजाबी गाने भी बज रहे हैं. समझ रहे हो ना? मेन फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड इज बिलो सी लेवल प्लेसेस, उत्तराखंड
स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर ओके सो वी आर गोइंग टू दैट बोट विच इज बेसिकली अ रेस्टोरेंट विच इज अम्मूस रेस्टोरेंट आई होप वहां पे कुछ वेज हमें मिल जाए क्यों नहीं ये केरला का स्टेट फिश है स्टेट फिश है मलयालम मलयालम में करिमीन बोले करिमीन 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 ये आपने अभी कैच किया है नहीं आप लोग ने तो सब में कैच अच्छा ताजा है ये अभी नहीं हम लोग वेजिटेरियन सो वी आर हैविंग हियर नारियल पानी आई जस्ट आस्क्ड इन द कॉस्ट कितने का है भैया 45 ओके सो वी आर हैविंग नारियल पानी एंड देन वी विल गो बैक टू आवर बोट सो देयर वी आर समिंग अप आवर विजिट टू केरला बैक वाटर्स सनसेट हम लोग नहीं दे पाए क्योंकि आप देख रहे हो कितना ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है सो सनसेट नहीं देखने को मिला बट एनी हाउ इट वॉज सो सीन है एंड आई थिंक अगर आप केरला आते हो मे बी इन एलएपी और इन फोर्ट कोची और वर्कला बेसिकली कहीं पे भी आपको बैक वाटर्स मिल जाएंगे एंड बैक वाटर्स इज नथिंग बस लगूनस है या ब्रैकिश वाटर है यू कैन से कि जो समुद्र का पानी वो लैंड्स के बीच में ऐसे ऐसे ट्रैप हो गया है वो ही आपका बैक वाटर्स है मैं कल इधर लिख लूँ कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए सो यहाँ पे छोटे छोटे विलेजेस है आसपास सब जगह बहुत सारी बोट्स है ही वाज टेलिंग अस दैट 1000-2000 से भी ज़्यादा बोट्स है और यहाँ पे स्नेक बोट रेस होती है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है हमने बहुत सारी मूवीज में देखी होगी सो आई वाज टेलिंग अस दैट यहाँ पे हर गांव से एक बोट आती है और जो स्नेक बोट रेस होती है पोंगल से पहले सेकेंड सैटरडे ऑफ ऑगस्ट सो या यू कैन सी बहुत सारे पैडी फील्ड्स है और यहाँ पे कुछ पैडी फील्ड्स है जो शायद सी लेवल से भी नीचे हैं जहाँ पे पहली पैडी फील्ड हुआ करते थे और अब वो पानी से कवर हो गया है नाइस कोकोनट ट्रीज सो आई विल सजेस्ट दैट यू कैन रेंट अ शिकारा लाइक दिस 2 hours, 3 hours, 4 hours एंड एंजॉय योर सनसेट सनराइज वॉट एवर फॉर 3-4 hours एंड आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ इफ यू रेंट अ हाउस बोट इट्स मोर लाइक 3 BHK, 4 BHK टाइप्स एंड इतने सारे लोग हैं Yakuza Tuning and